सो हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम दिखाए थे आपको सिपारा से मोहली तक का, तो अभी जहाँ खड़ा ये है मोहली, और उसके बाद है ना यहाँ से पुनपुन तक का आपको हाईवे बनने वाला है, तो उसका भी हम अपडेट दिखाने वाले हैं बाई ऑन रोड। तो देखते हैं कि यहाँ से आगे तक का बाईपास का जो काम बनने वाला था किस तरह से कितना हो पाया था। पिछला वीडियो भी मैंने अपलोड किया था तो काफ़ी दिन हो चुका था, और बाकी लोग का हम कमेंट आ रहा था कि भाई हमको वीडियो बना के दीजिए, दिखाइए किस तरह से कितना भी काम हो पाया है। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक है ना हमें मोटिवेशन प्रदान करता है आपके लिए और वीडियोज़ बनाने। तो पिछले वीडियोज में आपने सिपारा से मोहली तक का वीडियो देखा था, आज हम दिखाने वाले हैं मोहली से आपको पुनपुन तक का अपडेट, मतलब इसके बीच में जो फोर लाइन का अपडेट उसको खासकर दिखाने वाले हैं कि जो फोर लाइन का काम है कहां तक कितना हो पाया है। साइड में जो मिट्टी देख रहे हैं ना, उस साइड में नाले का काम हो रहा है। तो यहां से कंक्रीट का रोड स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं, और दूसरे साइड भी एक कंक्रीट का रोड बना हुआ है, और बीच में गैप छोड़ा गया है क्योंकि साइड वॉल को है ना ज्यादा मजबूती से बनाया जाना है। इसके बारे में पिछले वीडियोज में मैं अच्छे से बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि मीठापुर से जो सिपारा बनना है वो फेज टू का काम है, और सिपारा से जो मोहली तक बनना जिसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं हाल ही फिलहाल में, आप जाके प्लेलिस्ट में उसे भी चेक कर सकते हैं, जो कि फेज वन में आता है, वो है 6.6 किलोमीटर। तो अभी जो हम दिखा रहे हैं मोहली से पुनपुन तक का जो फेज थ्री में आता है। तो बात करें मोहली होल्ट से पुनपुन तक की, तो इसके टोटल अगर दूरी की बात करें तो 2.2 किलोमीटर का होता है। मतलब अगर टोटल दूरी की बात की जाए मीठापुर से पुनपुन तक का, तो ये होगा टोटल 11 किलोमीटर। तो मीठापुर रेलवे गुमटी जो कि बंद हुआ, वहाँ पे आपको पाड़ो भी बना है, तो वहाँ से इसे कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको पुनपुन बाजार के पास में एक लक्ष्मण झूला है, वहाँ तक ये रोड तैयार होगा फोर लेन का। उसके बाद वहाँ से अदर जगह का कनेक्टिविटी मिलना है, और किस तरह से क्या मिलेगा फ्यूचर में जिस हिसाब से जरूरी अपडेट होते रहता है वो हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और हम बढ़ रहे हैं पुनपुन बाजार की तरफ, उससे पहले आपको मिल जाता है मोहली हॉल्ट, क्योंकि इसका पीछे का आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, बगल में है रेलवे ट्रैक, और साथ ही साथ बगल में इस तरह से रोड है जो कि कोई वर्क अभी नहीं है इस साइड में। तो मोहली हॉल्ट से पहले तक का जो भी काम था आपको गया डोभी फोर लेन तक का, उतना ही काम है, उसके बाद आगे इसी तरह से जैसे पहले था वैसा ही है, कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं ये हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपको पुनपुन बाजार की तरफ, और इस तरह से पीछे और आगे दोनों तरफ से रोड का हाल हम दिखाते जा रहे हैं। तो अगर बात करें टोटल कॉस्ट की, जो कि मीठापुर से सिपारा, सिपारा से मोहली, मोहली से फिर पुनपुन लक्ष्मण झूला तक जो रोड बनने वाला है, तो उसका टोटल कॉस्ट 1100 करोड़ है, जो कि उसके द्वारा इस हाईवे को बनाया जाना है फोर लेन को। और ये देख सकते हैं हम पुनपुन का जो रेलवे गुमटी है उस साइड ना जाके रेलवे गुमटी से जस्ट बगल में आपको ये पुनपुन का मेन मार्केट है उस तरफ जा रहे हैं। तो हम पुनपुन मार्केट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं इस तरह से कुछ रोड है, और साइड में एक फोर लेन हाईवे है जो कि पूरी तरह से बन के तो तैयार है। पहले तो ये रास्ता खुला था लेकिन ये अब मिट्टी इस तरह से भर गया है, मतलब ये कह सकते हैं कि और फोर लेन हाईवे बन रहा है जो कि इसमें कनेक्ट होने वाला है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी ऐसे ब्लॉग के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।